हे गाइस, वेलकम बैक टू टेस्टी एंड डिलीशियस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड के गुलाब जामुन, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ वाला बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उसे देख पाएंगे। और इसे बिल्कुल फ्री है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ वहाँ पर पिक्चर शेयर कर सकते हैं आप। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ब्रेड स्लाइस। ये मैंने बड़े वाले ब्रेड लिए हैं, जो सैंडविच ब्रेड आते हैं, 7 पीसेस हैं ये। और इसके मैंने एजेस को कट करके निकाल दिया है। तो इसके बाद हम इन्हें डाल देंगे मिक्सिंग जार में तोड़कर। और इसका हमें एक पाउडर बना लेना है इसे पीस कर। और इसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे बोल में। और अब मैंने यहाँ पर लिया है दूध, 1 कप दूध है ये। इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और इसका हमें एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। थोड़ा थोड़ा करके आप दूध ऐड करें और इसका सॉफ्ट सा डो लगा लें। तो देखिए, मैंने डो लगा लिया है और देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है ये। और इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे साइड में। और तब तक हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी रेडी करेंगे। इसके लिए पैन में डाल देंगे 1 कप चीनी, 1 कप पानी। और इसे हाई फ्लेम पे हम पहले पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, उबाल आने के बाद। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गया है इसे पकते हुए। तो इसके बाद इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर और इसे मिक्स करेंगे। इसकी हमें चिपचिपी सी चाशनी बनानी है, दोनों फिंगर के बीच में ये चिपचिप करेगी। तो बिल्कुल वैसी चाशनी हमें चाहिए, तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इनके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इस गुलाब जामुन का जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, तभी आपके जो गुलाब जामुन है वो भी सॉफ्ट बनेंगे। अगर आपका डो हल्का सा भी हार्ड रहेगा तो ये सॉफ्ट गुलाब जामुन आपके नहीं बनेंगे। तो ये बॉल बनाने के बाद इसके बीच में हम इस तरह से कैविटी करेंगे और इसमें भर देंगे एक किशमिश और इसे पैक कर देंगे। और फिर से हम इसका एक बिल्कुल स्मूथ बॉल बना लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बॉल मैंने बना लिया है एक। और इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे। तो देखिए सारे बॉल्स मैंने बना लिए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। गैस पर मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल जो है वो मीडियम हॉट है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और इससे आप ज़्यादा एक बार में न डालें, 4 से 5 डालें या फिर जितना आप हैंडल कर सकते हैं। और इसके बाद आप एक स्पून से इसे रोटेट करते रहें, घुमाते रहें ऑयल में, जिससे कि सारे गुलाब जामुन पे हर तरफ से एक जैसा कलर आएगा। इस तरह से आप इसे घुमाते रहें। और इन्हें हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन कलर नहीं आ जाता इनके ऊपर। तो देखिए गुलाब जामुन पे काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक जैसा कलर आया है हर तरफ से। और इसके बाद हम इन्हें डाल देंगे शुगर सिरप में, जो हमने पहले बना कर रखा था। और गैस का जो फ्लेम है वो मैंने ऑन कर दिया है। और इसके बाद हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे आप हल्का सा कवर कर दें और 5 मिनट के लिए पकने दें मीडियम फ्लेम पर। तो टोटल 5 मिनट हो गया इसे पकते हुए। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 2 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए गुलाब जामुन हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो आप भी इसे ट्राई करें और इन्जॉय करें। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आप इसकी पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।